माफ नहीं करूंगी। रोलिंग। सुने उसे क्या कर एक्शन आ जाओ। हो चुका है एक्शन। कट। वियर कट। एक्चुअली सुरेश की शादी से पहले शी इज प्रेग्नेंट एंड एक्चुअली उसने किसी से शादी कर ली थी, तो गलती उसकी नहीं है, बट जिसने शादी की थी वो अपनी बात से अभी मुकर रहा है, तो उसको उसका हक दिलाने के लिए हम सब परेशान हैं। और वो जो लोग हैं वो बहुत रईस हैं, तो अपने रिच होने का बहुत फायदा उठा रहे हैं, तो इसलिए हम सब परेशान। क्या करेंगी मम्मी बताओ क्या करेंगे। बिल्कुल खुली नहीं है, हम खुली है, बल्कि हम चारों जो औरतें इस घर में रहती है सारा काम खुद करती है। और प्रज्ञा देखो काम भी करती है, घर का काम करती है। बुलबुल अपनी यूरोप टूर के लिए खुद कमा रही है, चाहे वो कितना भी बड़बड़ करती है लेकिन स्वावलंबी है, दोनों बेटे। और हमारा जो घर है वो बिल्कुल विमेन पावर है, हम रोते वोते नहीं है ना लड़ते। अगर किसी ने शादी तोड़ी तो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन तमीज से, क्योंकि वही हमने सिखाया। और जब हो जाता है तो अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में तो मुसीबतें आती रहती हैं। अगर इतना रोगे तो कैसे चलेगा, ये मुश्किल भी पार हो जाएगी। ऐसे ही है, कभी हंसो कभी रो, बस वही एक साथ फिर
कैंसिल हो गई, तो हाँ बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हो रही। हाँ तूफान सा तो हो रहा है, लेकिन तूफान और भी बड़ा है क्योंकि माँ को अभी तक बताया नहीं। और मैं जानती हूँ कि माँ मेरी शादी को लेकर कितना परेशान रहती है और अभी कितना खुश है, तो बड़ा तूफान वो है कि अभी तक माँ को बताया नहीं। पता चलेगा तो सूर्य की झाड़ू पकड़ाई होने वाली है। मैं मेरी बेटी को उसने, अगर आपने एक आंसू दिया तो ऐसा मरूं उसको मैं देखता। बिल्कुल जितना उसको प्यार और पकौड़े और चाय खिलाइए ना, उतनी उसकी मार पिटने वाली है। मेरी बेटी को जो भी परेशान करे उसको छोड़ने वाली नहीं हूं। तलाश हमेशा हर किसी की नहीं होती, आप जिंदगी मतलब जीते रहते हैं कोई मिल जाता है। इतनी अच्छी लड़की है कि खुद कोई वही तलाश करते करते आ गए, फिर चूज करेंगे कौन है कौन।